बताओ, बड़े साहब के लिए मर्सिडीज हटा के उनकी गाड़ी लगाया जा रहा है। अकाउंट्स में जाना है ना, जल्दी चलो यार, कुछ जमा कराने थे तो इसलिए आए थे, चलो फटाफट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल जो है मैं नहा धो के आ गया हूँ, थोड़ा सा लेट भी हो गया, 7:35 हो चुके हैं। ये रहा कांचुले, हेलो बोल दे सबको, हेलो, बहुत टाइम के बाद हेलो बोल रहा है कांचुले। और जो है आज जो अभी ऑफिस जाने के लिए लेट हो चुका हूँ मैं ऑलरेडी, क्योंकि डेली यही होता है, कभी ऐसा नहीं होता है कि मतलब लेट ना हो, क्योंकि रात को एडिट भी करना होता है, तो इसलिए लाइफ है तो रनिंग ज़रूरी है। सो इसलिए फटाफट चलते हैं ऑफिस, ये कंचुले उठूले को भी थोड़ा खिलाते हैं, अभी खेल चुके हैं वैसे, मैं तो नहा धो के थोड़ा सा लेट हो गया। चूल्हे में तो चूल्हे क्या है, क्या हो गया, गुच्छा गया, गुच्छा गया गोद में आने के लिए। चलो तू भी खेलने जाएगा, चल चल चल, ये देखो दोनों भाई खेल रहे हैं, चल लड़ाई मत, लड़ाई लड़ना मत, हाँ खेलो खेलो, लड़ना मत, गुड। सो गाइस, अब जो है ना नहाया था, बाल सारा गीला हो गया, सुबह सुबह उठ के ना पूरा का पूरा ऑयलिंग किया था, तो उस वजह से जो है फटाफट नहाना पड़ा, तो फटाफट चलते हैं ऑफिस के लिए निकलते, नहीं तो लेट हो जाएगा, क्योंकि जाम में भी डेली फंस रहे हैं, तो इसलिए फटाफट। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. So guys, late Latif तो नहीं हूँ, फिर लेकिन 9 बजे से पहले जो है मैं ऑफिस पहुँच गया हूँ। So फिलहाल जो है ऊपर चलते हैं, थोड़ा बहुत काम वाम कर लेंगे। मंजीत तो अभी तक आया नहीं है, मंजीत एक दिन अगर जल्दी आ जाता है ना तो सबको बताता है कि मैं जल्दी आ गया हूँ और हंगामा मचा देता है, आज तो अभी तक आया ही नहीं है। 9 बज चुका है, अभी तक मंजीत नहीं आया है, तो अभी देखते हैं आगे क्या बहाने करता है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, अभी देखते हैं क्या बोलता है बंदा। हेलो मिस्टर भूपेश, कैसे हो, सब ठीक? बढ़िया, मैं मंजीत का वेट कर रहा था। सो गाइस, देख सकते हो टाइम ये हो गया 9:03, भाई साहब अब आ रहे हैं, देखो 9:03। आटा जल्दी आ गया, हाँ ये देखो, क्या क्या आटा जल्दी आ गया, जल्दी आ गए, ये देखो बहाने, देख रहे ये बंदा ना ऐसे शर्माता है, देखो लेट आ गया ना, कल चिल्ला रहा था कैसे लेट लतीफ लोग ये वो, आज देख रहे हो, बताओ बड़े साहब के लिए मर्सिडीज हटा के उनकी गाड़ी लगाया जा रहा है, देख रहे हो, हट जाओ, मर्सिडीज इधर आ रही है, बहुत कल बाद में पता चला था, 4 समोसा खा के अंदर बैठे थे भाई साहब। कौन? नहीं मैं नहीं खाता हूँ, मैंने छोड़ दिया। क्या खाते थे? ब्रेड पकौड़ा? नहीं, अरे इनके लिए तो स्पेशल मिठाई है, चिकन बिरयानी, हाँ कबाब, अच्छा बटर चिकन, अच्छा रोस्टेड, अच्छा सारा यहीं जाके इकट्ठा हो गया, रोस्टेड हो गया। इकट्ठा नहीं होता है, मैं इकट्ठा नहीं करता, निकाल देता हूँ। ये क्या है फिर? ये तो थोड़ा बहुत एनर्जी रखनी पड़ती है भाई, नहीं रखेंगे तो गिर जाएंगे, खाते पीते करके स्टोर करके, और क्या स्टोर भी चाहिए होता है। अब वो 10,000 लीटर पानी पी लेते तो क्या कहाँ जाएगा, पेट नहीं जा रहा है, पेट में स्टोर करके रखता है भाई, जब नहीं मिले कल को फिर कब जरूरत पड़ जाए उसकी चीज, और क्या बैकअप बना कर रखना पड़ता है ना। चलो तो इसलिए बहुत बिजी हो गया, आते ही बैठ गया काम करने के लिए, सो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया, सो चाय भी नहीं पी पाया आज, तो ऐसे ही जो है बैठ गया, ओके चल रहा है फर्स्ट क्लास, तो इसलिए जो है ना अभी आप लोग से रूबरू नहीं हो पाया, क्योंकि बिजी होते हैं तो देखो काम काम होता है, सो डेली लाइफ में क्या चलता है वही मैं व्लॉगिंग में डालता हूँ। सो प्लीज़ गाइस, इसको बुरा मत मानना कि मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें शूट नहीं कर पाया, इस तरह से कुछ नहीं है, बट जो भी काम होता है मैं करता हूँ डेलीगेशन के साथ। सो आई होप कि आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना गाइस, और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। फिलहाल जो है 12:59 हो गया है, एक बज गया है, सो फटाफट लंच करके आते हैं, फिर उसका थोड़ा सा काम बचा हुआ है, इसको आज कम्प्लीट करने की सोच रहा हूँ मैं, फटाफट काम कम्प्लीट करते हैं, उसके बाद जो है फिर आगे अकाउंट्स में भी जाने की सोच रहे हैं, अभी कुछ काम है अकाउंट में, सो चलते हैं गैस। सो गैस, बिजली बचाना ज़रूरी है, तो जैसे ऑफिस से निकलो कोई भी गैस, सो लाइट स्विच ऑफ ज़रूर करना।
ये हरा डब्बा जो है ना, हरा हरियाली अच्छा मुझे पसंद नहीं है ऐसा वाला हरा। अच्छा दिनेश तो भाई भाई बन के आया भाई है तो बनने वाले क्या बात है, दुश्मन तो कोई और ही। ये रखने का ढंग नहीं है देखो, तो ऐसे ऊपर फिर जगह बना देता हूँ। नेट कहो या वैसे भी कॉलिंग में भी बहुत एरर आ रहा है, पता नहीं क्यों कॉलिंग में तो ठीक नहीं है, नेट नहीं चल रहा। कॉलिंग में भी एरर आ रहा है, मैं सुबह से नेट चला रहा हूँ, एयरटेल का भी है उसमें भी आ रहा है। एयरटेल और जियो दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं दोस्त। सो गाइस फिलहाल जो है टाइम तो अब हो ही गया है लंच टाइम, लंच करने के लिए जो गर्म कर लिया मैंने आज मेरे पास कैम भरता है ना, बोलो भरता है ज़्यादा है मेरे पास, चम्मच निकाल लो, चम्मच चम्मच निकाल के ले लो ठीक है। सो गाइस मिलते हैं लंच के बाद। मैं और मंजीत जो है ना अकाउंट में थोड़ा सा काम था, टैक्स वैक्स को लेकर कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराने थे तो इसलिए आए थे, तो यहाँ पे देखा मैंने कि बहुत अच्छे अच्छे फूल नजर आ रहे हैं। ये हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट से सामने ये अकाउंट डिपार्टमेंट है, तो सारी ग्रीनरी है वह देखो, इसमें पूरा घूम घूम के दिखा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और इधर भी ये देखो फूल फूल, कल जहाँ पे मैं फूल दिखा रहा था आप लोगों को वो उस तरफ है, ये आज इस तरफ वैसे काफ़ी अच्छा फूल है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहा है नज़ारा। सो बहुत ही प्यारा नज़ारा है। सो चलते हैं गाइस अंदर की तरफ, थोड़ा सा काम है, काम निपटा के फिर जाते जाते बात कर लेंगे। अकाउंट्स में जाना है ना जल्दी, चलो यार कुछ जमा कराने थे तो इसलिए आए थे, चलो फटाफट। आपके आपके दर्शन यही हो गए हमारी नगर तो नहीं, हम तो अकाउंट्स में आए थे थोड़ा सा काम था, हम ऐसे ही घूम रहे थे खाना खाने के बाद। सो गाइस अकाउंट गए थे, थोड़ा काम हो गया है फाइनली, निकलते हैं तुरंत फटाफट ऑफिस। मंजीत को तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है आज, पता नहीं क्यों लग रहा है, कुछ मटन चिकन ज़्यादा खा लिया इसने। सो गाइस अकाउंट से आने के बाद मैं काम में इतना बिजी हो गया कि क्या बताऊँ, तो उसके बाद चाय वाय भी आज नहीं पिया क्योंकि काम ज़्यादा था तो इसलिए थोड़ा सा बिजी हो गया। सो गाइस फिलहाल जो है ऑफिस से घर निकलने का टाइम हो गया, क्या कहते हैं भूपेश को भी बाय बोल देता हूँ, बाय भूपेश कल मिलते हैं। मंजीत रेडी है, देखो लेट आए और जल्दी जा रहा है बंदा। निकलते हैं। सो गाइस फिलहाल जो है एडिटिंग खत्म हो चुका है, अब जो है एंकरिंग बचा हुआ है, इसको शूट करके ख़त्म कर देता हूँ। अभी जो है ना मैं बिस्तर पर बैठे बैठे एडिट कर रहा हूँ। सो ऑफिस से आने के बाद जो है मतलब इतना ज़्यादा जाम में फंस गया कि मैं क्या बताऊँ, कम से कम डेढ़ घंटा तो कम से कम मैं जाम में फंस गया हूँ। सो फिलहाल जो है टाइम हो गया एडिट करते करते 12:51 और जो है फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप कि पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।